अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मट्ठी। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे 1 किलो मैदा है 1 kg और 150 ग्राम घी है, साथ में 150 ग्राम ही रिफाइंड ऑयल है। हमें दोनों चीज़ें क्वांटिटी में बराबर चाहिए। और साथ में मेरे पास यहाँ पे है 2 teaspoon नमक है मेरे पास, साथ में 1 teaspoon अजवाइन है और थोड़ी सी कसूरी मेथी है जो क्रश करके हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें हैं ये नमक वगैरह ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। और इस तरीके से एक गड्ढा होल सा बना लेंगे और उसमें मैं डालूंगी घी। थोड़ा सा हाथ से मैश कर लें, गर्मी है तो आराम से हो जाएगा। तो हमें अपने मैदा में अच्छे से मिलाना है इस तरह से कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने अपने घी को मैदा में अच्छे से मिला लिया है। अब जो हमारा रिफाइंड ऑयल जो मैंने लिया था वो मैं इसमें मिला दूँगी और हमें इतना ही मिलाना है। मैंने 150 ग्राम लिया था, हमें दोनों चीज़ें क्वांटिटी में बराबर मिलानी होती हैं और इतना मिलाना है कि हमारे आटे की मुट्ठी अच्छे से बनने लगे और रिफाइंड ऑयल और जो मैंने घी लिया है दोनों चीज़ें हम इसलिए लेते हैं कि जो हमारा जो घी है इससे जो है हमारी मट्ठी होगी वो बहुत सस्ता बनेगी और जो रिफाइंड ऑयल है उससे हमारी मट्ठी थोड़ी क्रंची बनेगी। तो हमें इसलिए दोनों चीज़ें चाहिए। यहाँ पे जो मैंने ऑयल लिया है रिफाइंड ऑयल वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा ऐड करें और हमने पहले से घी इसमें मिला लिया है तो हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है कि हम चेक करते रहेंगे कि हमारी आटे की मुट्ठी जब बनने लगे बस हमें उतना ही डालना है। तो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एकदम से ज़्यादा ना ऐड करें कि ज़्यादा भी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और इतना काफ़ी है जितना मैंने अभी ऐड किया है और इतना मैंने बचा लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा है ये। तो बस आप इसी तरीके से देख लें कि जब आपकी आटे की मुट्ठी बनने लगे अच्छे से बस उतना ही डालें। तो मैंने घी पहले ऐड कर दिया था, अब ऑयल इसीलिए मैं कम डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी अगर ज़्यादा डाल दूँगी तो, कभी ज़्यादा भी लग जाता है थोड़ा। इसीलिए मैंने घी पहले ऐड किया था कि तेल आराम से ऑयल को थोड़ा थोड़ा मिला कर देख लूँगी। ये देखिए हमने सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिला ली हैं, घी ऑयल, और देखिए आटा हमारा अच्छे से मुट्ठी बन रही है आटे की, बस इतनी चाहिए हमें। अब इसको गूंदने के लिए हमें चाहिए थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद दें। थोड़ा थोड़ा डालना है इस तरीके से, सारा एक साथ नहीं डालना है और आटा बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो। ये देखिए आटे को मैंने समेट कर रख दिया है, अब इसको मैं 10 मिनट का रेस्ट दूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा और गूंदूंगी चिकना करने के लिए। अभी थोड़ा ये ऐसे थोड़ा सा इसको रेस्ट दूंगी तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। और इसको छुपा दें, किसी गीले कपड़े से छुपा दें या तो, ताकि इसके ऊपर जो एक परत आ जाती है सूखी वो ना आए। मैं इसको रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। देखिए आटे को हमारा रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए और ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथ से कर लेंगे जिससे ये चिकना हो जाए। वैसे तो ये खुद ही चिकना हो गया है, ऐसा चाहिए था हमें।
बस अब ये तैयार बनाने के लिए। एक तो हम बनाएंगे इस तरह से, एक जो आपने देखी होगी थोड़ी साइड से इसके कोने जो हैं, साइड से जो लेयर होती है वो थोड़ी फटी फटी सी होती है, एक तो हम उस टाइप की बनाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, हल्के से करना है, नो जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ ऐसे आटे को करके, और बस एक तो हम ऐसी बनाएंगे, ये फ्राई होकर बहुत अच्छी दिखेंगी इस तरह से। बस ऐसे करना है आपको इस तरह से, ये देखिए एक हम बनाएंगे थोड़ी गोल वाली जो गोल होती है, देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं आप। इसको अच्छे से पतला कर दें क्योंकि ये मैदा है तो वो फूलेगी। आपको जिस भी साइज़ की बनानी है, बड़ी मैं थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ, आप उसी हिसाब से ले लें, लेकिन इसको थोड़ा पतला रखना है वरना तो ये फूल के बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। देखिए मैंने इतनी इसकी रखी है लेयर, इस तरह से आप हाथ से दबा दें, आप ऐसे बना सकते हैं। और एक हम बेल बनाएंगे बेल कर, वो भी दिखा रही हूँ मैं आपको, आपको जो भी शेप अच्छी लगे आप वो बना लें। देखिए आप इस तरह से करें पहले, उसके बाद इसको बेलन से बेल लें। आप इस तरह से बेलें इसको, ये हम लेयर वाली बना रहे हैं जिसमें तीन और चार लेयर हो सकती हैं। आपको जो भी शेप अच्छी लगी हो आप उस तरीके से आप बना लें। पहले पतली सी रोटी अच्छे से बेल लें, ये देखिए बिल्कुल पतली बेलनी है। उसके बाद इस तरह से और फिर आप इस तरह से कर लें। इसमें आराम से आपकी चार लेयर हो गई हैं, एक तो ये हो गई चार लेयर वाली, और आप इसको फोक से इस तरह से ये इस तरह से कर दें, इसमें डॉट डाल दें ताकि इसकी लेयर खुल ना जाए। एक ये हो गई आपकी, देखिए मैंने अपनी आटे की मट्ठी बना ली है सारी, मुझे ये गोल शेप पसंद है इसलिए मैंने गोल बनाई है इस तरह से। अब हम करेंगे इन्हें फ्राई, तेल हमारा हो चुका है बिल्कुल गर्म, चलिए तो बना फ्राई करते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म है लेकिन मैंने फ्लेम को स्लो रखा है, स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। पहले हम 10 मिनट स्लो फ्लेम पे करेंगे और फिर हाई करेंगे। अभी फ्लेम मैंने स्लो पे ही रख रखा है और स्लो पे ही तेल गर्म हुआ है हमारा, और अब मैं डालूंगी। स्लो पे मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इस पे जो बबल्स नहीं आएंगे, जो हमारी मट्टी है इस पे बबल्स नहीं आएंगे अगर हम स्लो पे डालेंगे, और अगर हम हाई पे डालेंगे तो जो बबल्स आ जाते हैं वो आ जाएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हमें पहले स्लो पे करना है उसके बाद में हम हाई पे करेंगे तो हमारी मट्टी का आटा जो है वो सेट हो जाएगा, तब हम इसको हाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दी,
फिर साइड किनारे से एहतियात के साथ डालें आराम से। देखिए कितनी अच्छी से हमारी फ्राई हो रही है, जो जो हल्की सेट होती जा रही है वो ऊपर भी ऊपर आ जाएंगी। देखिए आप मैंने सारी बना के रख ली थी और ये मैदा जो है थोड़ी स्ट्रेच होती है तो अब ये थोड़ी छोटी हो गई है और मोटी भी हो गई है इसकी लेयर। तो आप इस तरीके से इसको हाथ से आप थोड़ी सी इसे इस तरह से दबा दें ऐसे, तो ये पतली हो जाएगी। आप डालते टाइम थोड़ा सा हाथ से दबा दें ऐसे, इससे लेकर इस तरह से दबा दें तो ये अब पतली हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारी फ्राई हो रही है स्लो फ्लेम पर, हल्का सा ये सेट हो चुकी हैं तो अब हम हल्के से इसको करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आपको जिस भी कलर की लाइट डार्क रखनी है आप उस तरीके की रख सकते हैं, मुझे जैसी रखनी है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। आप आराम से इसे सुबह अपने नाश्ते में खाएं। अभी ये थोड़ी सेट हो जाएंगी तब मैं इस तरह से करते हैं आप थोड़ा, जब ये थोड़ी सेट हो जाएंगी तब मैं थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दूंगी। इसमें थोड़ी हो गई तो मैं थोड़ी और भी डाल देती हूँ, ये भी हो जाएंगी साथ साथ। कढ़ाई हमारी बड़ी है, जगह है इसमें, है जगह अभी इतना स्पेस है कि एक दो और आ जाएंगी, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, जल्दी फ्राई हो जाएंगी। देखिए मट्ठी हमारी फ्राई हो चुकी है, बस अब इनको निकालना है। देख कितना अच्छा सा कलर आ गया है। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए मट्ठी हमारी तैयार है और बहुत ही खस्ता और क्रंची बनी है। अगर आपको हमारे बनाने के का तरीका हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुँचे। चलिए अल्लाह हाफिज़, मैं फिर मिलूँगी आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।